अमरनाथ की गुफा में रहती है एक इच्छाधारी नागिन। कैमरे में कैद घटना देखकर आप सभी का दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अमरनाथ भगवान शिव का वह धार्मिक स्थल है जो तीर्थ यात्रा में भी शामिल है। माना जाता है कि भगवान शिव का यह स्थल बहुत ही कठिनाई भरे रास्तों से गुजरता है। यात्रा करने वाले लोग यहाँ पर भगवान शिव का जाना माना बर्फ से बना शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, जिसके दर्शन करने के बाद इंसान को बहुत लाभ प्राप्त होता है, मन की शांति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अमरनाथ मंदिर कई गुफाओं का रहस्य से भरा हुआ है और ये रहस्य आज तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ खोजकर्ता जो अमरनाथ की गुफा में खोज करने आए थे, जो अमरनाथ के आसपास ही ठहरने के लिए स्थान लिए थे, उन्हें सरकार ने सिर्फ रात के समय जांच पड़ताल करने का आदेश दिया था, क्योंकि सुबह श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। उन्होंने उस होटल में और आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उन्हें अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पता चली। कुछ लोगों ने बोला कि रात में अमरनाथ से कुछ किलोमीटर दूर एक औरत लाल साड़ी में घूमती है और रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। लोगों का मानना है कि वह चुड़ैल है और कुछ लोगों से यह भी पता चला कि उन्होंने अमरनाथ बाबा धाम के सामने और एक सांप को औरत बनते देखा है। वो कहते हैं कि हो सकता है वह एक इच्छाधारी नागिन है। यह सुनकर वह लोग और भी उत्सुक हो जाते हैं और उतने ही डरे हुए होते हैं। डरे हुए होने के बावजूद भी वह लोग रात होने का इंतजार करते हैं। रात होती है, वह लोग अमरनाथ से थोड़ी दूर निकल जाते हैं। जांच पड़ताल करने पर उन्हें पहले दिन कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वह लोग जब वहां से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक बहुत विशाल सांप दिखता है, जिसे देखकर वह लोग डर जाते हैं और उस सांप से बचने की कोशिश करने लगते हैं। वह सांप बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वह लोग उससे दूर चले जाते हैं। पहले दिन वो लोग निराश होकर वापस होटल लौट आते हैं। होटल आके वो लोग अगले दिन अमरनाथ की गुफा में जांच पड़ताल करने जाने का सोचते हैं और अगली सुबह का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह वो लोग जांच पड़ताल करने का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। समय बीतता है और रात आ जाती है। वह लोग सारा सामान समेटकर अमरनाथ की गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में बहुत कठिनाई के बाद वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। टॉर्च निकालते हैं और अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। गुफा के अंदर उन्हें जो दिखता है वो काफी चौंका देने वाला होता है। वह देखते हैं कि गुफा के अंदर एक और गुफा है जो बहुत बड़ी है। वह लोग उस गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी वहां से एक आदमी बाहर निकलता है, एक साधु जो बहुत बूढ़ा होता है। उसे देखकर खोजकर्ता बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें शांत कराकर साधु बाबा उन्हें बताते हैं कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उन लोगों ने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों। साधु बिना कुछ बोले वहां से चले गए। खोजकर्ता उनकी बात सुनकर डर तो गए थे पर फिर भी उत्साह के साथ आगे बढ़ गए और उस गुफा में चले गए और उन्होंने वहां पर जो देखा वह घटना दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने वही सांप देखा जो एक दिन पहले उन्हें नजर आया था। वह भागने लगे, तभी उन्हें एक आवाज आई जो एक औरत की थी, रुक जाइए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। वह लोग और घबरा गए और पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंख के सामने जो घटना हुई वह घटना देखकर उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, वह नागिन कोई आम नागिन नहीं थी, वह एक इच्छाधारी नागिन थी। वहां उन लोगों के सामने औरत के रूप में प्रकट हुई, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने खोजकर्ता से बोला कि मुझे महादेव का श्राप है कि मैं इस गुफा में इच्छाधारी नागिन बनकर पूरी जिंदगी अमरनाथ की गुफा की रक्षा करूं। कुछ देर बैठकर खोजकर्ता वहां से चले गए। उन्हीं खोजकर्ताओं में से एक जिसके पास कैमरा था, उसने चुपके से यह सारी घटना कैमरे में कैद कर ली थी, जिसे देखकर आज भी लोगों को इच्छाधारी नागिन पर यकीन होता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हर हर महादेव।